बीना बाबा बालकनाथ की कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र यादव नहीं जीत सकते अलवर सीट। यादव को अलवर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वर्तमान में भूपेंद्र यादव केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल हाल ही में संपन्न हुआ है। अब उन्हें अलवर सीट से सांसद योगी बालकनाथ का टिकट काटकर बड़ा मौका दिया गया है। यादव ने अपने लंबे राजनीतिक करियर की ज्यादातर अवधि संगठन की सेवा में लगाई है। भाजपा में चाणक्य के तौर पर पहचान रखने वाले यादव ने प्रभारी रहते हुए विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई है। लेकिन भूपेंद्र यादव का यहां से जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सच है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा ने कांग्रेस को 3.5 लाख वोटों से शिकस्त दी हो, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ अलग ही दास्तां बयां कर रहे हैं। लोकसभा में शामिल 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा है। 3 सीटों पर वोटों का अंतर भी ज्यादा है, जिसे पाटना भाजपा के लिए चुनौती है। यही नहीं, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा ऐसी अकेली सीट है जहां से भाजपा को कम वोट मिले, यानी इस सीट पर जनता कांग्रेस प्रत्याशी को ही विजयी बनाती आ रही है। ये क्रम करीब 15 साल से जारी है, जिसे बीजेपी मोदी लहर में भी नहीं तोड़ पाई। ऐसे में भूपेंद्र यादव का चुनाव जीतना आसान नहीं रहने वाला। वहीं बाबा बालकनाथ और जसवंत यादव दोनों के जीतने के बाद भी कैबिनेट में किसी यादव को जगह नहीं दी गई, और इस वजह से भी यहां भूपेंद्र यादव का जीतना मुश्किल रहने वाला है। वहीं अगर भंवर जितेंद्र सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ 2 बार की हार की संवेदना होगी। साथ ही टीकाराम जूली के नेता प्रतिपक्ष बनने से SC ST वोट भी भंवर जितेंद्र को ही मिलेंगे। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य के लिए ये सीट आसान रहने वाली नहीं है।